सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। और गाइस, अगर आप ओप्पो लवर हो, आपको ओप्पो ब्रांड काफ़ी अच्छा लगता है, तो ये वीडियो आपको थोड़ा सा हर्ट कर सकती है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ ओप्पो की तरफ से कुछ पागलपंतियाँ जो की जा रही हैं अभी अपने नए नए डिवाइसेस के अंदर। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इंट्रो चलने देते हैं। रिसेंटली ओप्पो ने दो नई सीरीज के नए डिवाइसेस लॉन्च करे हैं, एक ओप्पो रेनो सीरीज और एक ओप्पो एफ सीरीज। एफ सीरीज के अंदर इन्होंने 27 को लॉन्च कर दिया, 27 प्रो प्लस और 27 प्रो आई थिंक, और रेनो 12 प्रो लॉन्च किए हैं। अब प्राइसिंग के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले यहाँ पर इनके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर देते हैं। एफ 27 प्रो प्लस के अंदर आपको काफी अच्छी चीज है ओप्पो यहाँ पर दे रहा था, बिल्कुल यूनिक लीग से हटकर, जैसे कि IP69 रेटिंग दे रहा था, और उसके बाद इसके अंदर 360 डिग्री आर्मर प्रोटेक्शन यहाँ पर ओप्पो दे रहा था। लेकिन जब इनके फीचर, जब इनकी स्पेसिफिकेशन को इनके प्राइस के साथ जस्टिफाई करते हैं, तो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होती, बिल्कुल कंपेरेबल नहीं होती। प्राइस अलग लेवल पे होता है और स्पेसिफिकेशन अलग लेवल पे होते हैं। अगर बात करें इसके प्रोसेसर की, तो भाई वहां पर इसका सारा भट्टा गोल हो जाता है। और प्रोसेसर इसके अंदर मिलता है Dimensity 7050, जो एक मिड से भी नीचे के लेवल का प्रोसेसर है। अगर मैं एक रेफरेंस के लिए बताऊं तो नार्जो 70 प्रो के अंदर भी आपको यही प्रोसेसर देखने को मिलता है, और उसका प्राइस 18,000 18,500 के आसपास है, और इसका प्राइस आपको 30,000 रुपए के आसपास देखने को मिलता है। लिटरली बता रहा हूँ, 30,000 रुपए के अंदर आप डायमेंसिटी 7050 कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी फोन से, जस्ट बिकॉज कि आप काफी बढ़िया फीचर्स, काफी बढ़िया यहाँ पर नए नए फीचर्स दे रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस फोन की जो सोल है, जो उसकी एक्चुअल में पावर हाउस है, उसे वीक कर सकते हो। तो ये चीज मेरे को सच में भाई एक अलग लेवल लगा यार, लिटरली इस चीज के बारे में सोचना चाहिए ओप्पो को। और उसके अलावा अब बात करें अगर रेनो की, तो ओप्पो रेनो की अभी 12 सीरीज आई है, इससे पहले इन्होंने 11 को लॉन्च किया था, 10 को भी लॉन्च किया है। जब आप इन तीनों सीरीज को कंपेयर करोगे, चाहे किसी भी साइट पे, किसी ऐप पे कंपेयर कर लेना, तो आपको एक चीज रियलाइज होगी, भाई इन फोन्स के अंदर अपग्रेड कम डाउनग्रेड ज्यादा हुआ है। अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो भाई वो तो अलग लेवल है। लिटरली मुझे ये चीज नहीं समझ आ रही कि भाई ओप्पो को इंडिया के अंदर कौन हेड कर रहा है, क्या वो अपने कॉम्पिटिटर्स को नहीं देख रहा, जैसे मोटोरोला हो गया, रियलमी हो गया, वीवो हो गया, क्या ये इन्हें नहीं देख रहा कि ये लोग कैसे इंडियन मार्केट के अंदर अपने फोन्स लॉन्च कर रहे हैं, क्या स्पेसिफिकेशन ला रहे हैं, क्या बजट के अंदर ला रहे हैं, तो ये चीज क्या वो ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं? मेरे को ये चीज सच में समझ नहीं आती कि भाई ओप्पो वाले ये एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। ओप्पो रेनो 12 सीरीज का जो प्राइस है ना, 30,000-33,000 रुपए से शुरू होकर ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास जाता है। तो आप लिटरली बताओ कि 40,000 रुपए के आसपास आप ओप्पो के रेनो सीरीज पे खर्च करोगे, या फिर आप उससे बेटर जा सकते हो 40-45,000 रुपए की रेंज में, काफी तगड़े प्रीमियम रेंज के फोन भी आ जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये फोन बिक नहीं रहे हैं, ऑनलाइन तो भाई ये बहुत कम बिकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन जो लोग फोन खरीदते हैं वो काफी समझदार होते हैं, मेरा पर्सनल ये मानना है। लेकिन ऑफलाइन मार्केट के अंदर धड़ल्ले से बिक रहे हैं, और उसका रीजन है ऑफलाइन रिटेलर्स। ये कस्टमर को काफी बढ़िया तरीके से चूना लगा देते हैं, स्कैम कर देते हैं। अब मैं सारे ऑफलाइन रिटेलर्स को नहीं इसमें इंक्लूड कर रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ ऐसे करते हैं, और उसका रीजन ये ही है कि भाई इन्हें काफी तगड़ा, मतलब काफी बढ़िया कमीशन भी मिल जाता है। इसकी वजह से ये लोग हमेशा प्रेफर करते हैं कि आपको यही डिवाइस जो है वो चेप दें, और उसके बाद कस्टमर भी ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि यार वो फाइनेंस पे लेता है, उसके लिए 1500-2000 रुपए कोई ज्यादा मैटर नहीं करते, वो कहता है चलो ठीक है यार फोन तो मिल ही रहा है ना। तो ये चीज मैंने पर्सनली भी ऑब्जर्व करी है, और इसी वजह से इसके ऑफलाइन जो बायर्स हैं वो काफी ज्यादा हैं ऑनलाइन के मुकाबले, क्योंकि ऑनलाइन में ये जस्टिफाई ही नहीं करता अपनी जो भी स्पेसिफिकेशन ये इस प्राइस रेंज में दे रहा है। ओप्पो को इस चीज पे खास ध्यान देना चाहिए कि यार आप अगर 35,000 रुपए किसी कस्टमर से ले रहे हो किसी फोन के लिए, तो एटलीस्ट उसमें कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशन तो डालो ना कि जो वो जस्टिफाइड हो, जो वो कुछ यूनिक हो। आप सिर्फ दो फीचर बिल्कुल अलग हट के डाल देते हो और बाकी बिल्कुल घटिया लेवल का डाल देते हो, तो लिटरली बता रहा हूं कस्टमर जो बेचारे जिन्हें इसकी ज्यादा नॉलेज नहीं होती वो आपके फोन को खरीद सकते हैं, लेकिन जिन्हें एक्चुअल में नॉलेज है, जो आजकल काफी ज्यादा इंडिया के अंदर हो रहा है, उन्हें फोन के बारे में काफी अच्छी नॉलेज हो जाती है, तो वो लोग आपके फोन की तरफ नहीं जाने वाले। इस चीज को ओप्पो को खास ध्यान देना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक पे, आप नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर शेयर कर सकते हो, और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।